आज के दूसरे रोजे की अफ्तारी मेरी रेडी है पकौड़ी और पापड़ के साथ। यहाँ पर बन रही है रोटी और इसमें रखी है सब्जी जो कि शाम की है, और इसके अंदर रखा है दूध जिसकी बनेगी चाय, और ये रोटी बनकर हो गई है तैयार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको दूसरी शहरी मुबारक। तो आज का व्लॉग मैं शहरी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम तो है, क्योंकि दिन में कुछ और बात रहती है इस टाइम, क्योंकि किचन में हमारे ज़्यादातर अंधेरा रहता है। तो बस एक रोटी रह गई जल्दी जल्दी, और टाइम भी 4 बज चुके हैं। दोस्तों मेरी सहरी एकदम रेडी हो चुकी है, चाय ही बननी बाकी रह गई थी, अब चाय भी एकदम मस्त बन चुकी है, तो जल्दी जल्दी से खाते हैं। टाइम हो चुका है यहाँ पर 4:20, और ये आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर पानी छोड़ते डैम में उस सारन की आवाज़ है। ठीक, तो दोस्तों मैं कमरे में आ चुकी हूँ, और कमरे में लगा हुई है सिर्फ एक ही लाइट जो कि 0 बल्ब है, और ये दोनों बच्चे सो रहे हैं। कैसे ये जियान सो रहा है अनु के ऊपर पड़ा है, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, जिनको पता नहीं कि मैं उठी हूँ। वैसे इन्होंने मुझे उठाया था, तो इन्होंने बोला था कि मुझे भी उठा देना, तो देखती हूँ कोशिश करके, अगर ये उठ गए एक दो बार में तो ठीक है, क्योंकि ये रोज़ा नहीं रखेंगे, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला था उनसे कि आप या आप कुछ दिन मत रखो, जब ठीक हो जाओगे तब रख लेना। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर ये उठे तो। मैंने जैसा कि कहा था, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो रोज़ा नहीं रखेंगे, तो मैं ही सहरी करती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं आराम से, और मैं लाइट भी नहीं जला सकती। यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगाया अपने लिए, जो कि इसमें रोटी और ये चाय से खाने के लिए बस। और चाय देखो कुछ कम नहीं है, एक गिलास भर की पूरी चाय है। तो फिर जल्दी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दोस्तों हमारे बाहर का नज़ारा कुछ आज इस तरह है। ये 2-3 खूंखार बंदर है जो आपको दिख रहे होंगे, ये आंटी को भी परेशान कर दे मेरे तरफ आ रहा है वो देखो भाई, इनको देख के सबको डर लग रहा है ये ना। तो इन्होंने क्या किया बंदर ने, ये जो आप टोकरी देख रहे हो हमारे पड़ोसी की है, ये इस टोकरी में रखे थे केले, उठाकर लेके चले गए, छिलके यहाँ फेंक दिए और केले इनके पेट में चले गए। ओ कैसे देख रहा है वो दोस्तों 8 बज चुके हैं, और मैं नहाकर यहाँ फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि सहरी के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ के और नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। तो मैं सोई थी लगभग 6 बजे, उसके बाद 6 बजे से मैं उठी हूँ 8 बजे, और ये बंदर इन्होंने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। हट हट, दोस्तों अभी मेरे बच्चे और हस्बैंड जी सो रहे हैं। मैं क्या काम करती हूँ, मैं बाल सुखाती हूँ सबसे पहले, और बाल सुखाने के बाद मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे दिन में तो टाइम नहीं मिलता कुरान पढ़ने का, तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 सिपारे एक दिन में पढ़ूँ सुबह के नंबर में, तो मैं अभी पूरा कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड और बच्चे अभी तक कैसे सो रहे हैं। ये हस्बैंड जी और ये बच्चे जी, सुनो उठना नहीं है जी, उठना नहीं है, कब उठोगे? हाँ नाम तो बताओ। देखो ये उठते नहीं है जल्दी, और ये दोनों प्यारे बच्चे आराम से सो रहे हैं। मैं सोच रही थी जब ये दोनों लोग सब उठ जाएंगे तभी मैं नाश्ता बना के दूंगी इनको। क्या सो के नहीं उठा हुआ है? अरे वाह मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग एनो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाश्ता बना दूँ ना आप दोनों के लिए? नाश्ता नहीं चाय, आओ तो बाहर आओ। सबसे पहले मैं इन दोनों को नाश्ता बना कर करा देती हूँ, क्योंकि इनके पापा जब उठेंगे वो तब देखा जाएगा। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, 4 बज चुके हैं, और जो मैंने उनसे सामान बोला था वो लेकर आ गए हैं। तो मैंने क्या खास सामान मंगाया था दिखाती हूँ। तो ये है, इसके अंदर है पापड़, जो कि मुझे पापड़ बहुत पसंद है, अफ्तारी में बनाऊंगी मैं पापड़। और ये टाटा नमक, जो कि नमक ख़त्म हो गया था बिल्कुल, तो मैंने इनको नमक लाने के लिए बोला था। तो आज मैं और फालतू पकौड़ी वकौड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने 3 आलू की पकौड़ी बनाई थी, और वो मैंने एक भी नहीं खाई, ना बच्चों ने खाई ना मेरे हस्बैंड ने खाई, क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो पकौड़ी मैंने ही खाई थोड़ी बहुत, अब उस पकौड़ी को खाने के बाद मतलब ठीक नहीं रहा, गैस अजीब सा ना पेट में, मतलब
तो आज मैं ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगी, हिसाब से बनाऊंगी नॉर्मली खाना। अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैंने दी अपने बच्चों को चाय बनाकर, तो अभी मेरे बच्चे दोनों चाय पी रहे हैं यहाँ बैठ कर। तो दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो अफ्तारी में पकौड़ी ना बने। मना करते करते भी मैंने बना ली। और ये यहाँ पर रखे हैं पापड़, जो कि आज मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए थे, ये वाले पापड़। तो अब मैं अफ्तारी में बना रही हूँ पापड़ और पकौड़ी बनाई है मैंने। फुल्की आज मैंने नहीं बनाई, आज मेरी पड़ोसन ने बनाई है फुल्की, जो कि मुझे पार्सल के लिए दी है उसने ये वाली फुल्की। और ये कुछ भुर्जी बनाई है उसने। तो एक पापड़ और फ्राई करती हूँ इसमें, बस बहुत है बचे हुए तेल में। फिर दस्तरखान लगाती हूँ, दुआ के लिए बैठ जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगी तब वो आएंगे अभी। और आपको एक बात बताऊँ, और आज एनू भी घर पर नहीं है। एनू आई वो परी आई थी, तो एनू परी के साथ चली गई उनके घर पर, तो घर पे सिर्फ मैं ही हूँ। तो आज की दूसरे रोजे की अफ्तारी मेरी रेडी है पकौड़ी और पापड़ के साथ। तो अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक कमेंट शेयर करना, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं अंदर अफ्तारी। और मैं यहाँ आकर खड़ी हुई तो एनू अपनी फुप्पो के साथ है वहाँ पर येलो कपड़ों में, हाय, जो कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी दूर है। तो दोस्तों अभी अफ्तारी में है 15-20 मिनट, तो तब तक मैं यहाँ पर बैठ के दुआ पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मतलब मेरा रोज़ा और मेरे साथ आप सभी का रोज़ा कबूल हो, और अल्लाह मतलब सबको ठीक रखे, कैरियर से रखे। आज दूसरा रोज़ा था जो कि बहुत अच्छे से पूरा हुआ, आने वाले रोज़े भी बहुत अच्छे से पूरे हो जाए, और अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। तारी में टाइम है और यहाँ पर मेरा बेटा बैठ गया है पापड़ लेकर। बेटे आपने अल्लाह से दुआ की? क्या किया, कौन सी दुआ की आपने अल्लाह से, क्या पढ़ा आपने? चलो पहले अल्लाह से दुआ करो तब खाना। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ रोजा खोलने का। जी हम आपको भूख लग गई है? आपको भूख लग गई है? बताओ आपने अल्लाह से क्या दुआ की। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनाया यहाँ नहीं है, वो आई थी परी, वो परी के साथ वो चली गई अनु अपनी फुप्पो के घर। तो आज अनु वहीं रहेगी, उसके पापा आएंगे अभी अफ्तारी के टाइम, तो वो लेकर आएंगे उसको उसकी फुप्पो के घर से। क्या बेटा और खेल भी रही है? आपने गए फुप्पो के घर? तो मैं आया हूँ अभी अभी, और जो है रोजे का टाइम होने, यानी कि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। और ये पीछे ऊहा हाँ की आवाज़ जो आ रही है, ये आ रही है इसकी, हमारे बच्चे की। ये कह रहा है मुझे फ़ोन देखना है, और इफ्तारी का टाइम काफ़ी नज़दीक है। और मुझे जो है थोड़ा सा सामान दिया था, जो हमारी बड़ी वाली सिस्टर है उसने क्या दिया था, थोड़ी फुल्की दी थी, जबकि फुल्की हमारे पास भी है।